धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आप महान हो। प्रभु यीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, आमीन। आज हम प्रार्थना की शुरुआत इफिसियों के अध्याय 3 का वचन 16 से 18 तक वचन कि वह तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार अपने आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य से बलवंत होने का वरदान दे कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में वास करे। आमीन। क्या यह आपकी हृदय से की गई सच्ची विनती है? यदि ऐसा है तो कृपया एक क्षण रुककर प्रभु यीशु द्वारा हमारे लिए कहे गए शब्दों पर गौर करें। प्रभु के वचनों को पढ़ने के बाद क्या तुम्हें अपने हृदय में गर्माहट महसूस होती है? इस दुनिया में केवल परमेश्वर ही हमारे दुखों और कमजोरियों को जानते हैं और केवल परमेश्वर ही हमारी सभी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप इस समय कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, डरो मत, परमेश्वर के सामने आओ और अपने सभी बोझ और परेशानियां उसे सौंप दो और उसकी सहायता मांगो। हम आपके साथ ईश्वर के कुछ शब्द साझा करना चाहेंगे। सर्वशक्तिमान ने पूरी तरह से पीड़ित लोगों पर दया की है, साथ ही वह उन लोगों से तंग आ गया है जिनमें चेतना की कमी है, क्योंकि उसे मनुष्य से जवाब पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। वह तुम्हारे हृदय की, तुम्हारी आत्मा की तलाश करना चाहता है, तुम्हें पानी और भोजन देना और तुम्हें जगाना चाहता है, ताकि अब तुम भूखे और प्यासे न रहो। जब तुम थक जाओ और तुम्हें इस दुनिया की बेरंग उजड़ेपन का कुछ कुछ एहसास होने लगे, तो तुम हारना मत, रोना मत। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेंगे। वह तुम्हारी बगल में पहरा दे रहे हैं, तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन तुम अचानक अपनी याददाश्त फिर से पालोगे, जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम परमेश्वर से आए हो, लेकिन किसी अज्ञात समय में तुमने अपनी दिशा खो दी थी। किसी अज्ञात समय में तुम सड़क पर होश खो बैठे थे और किसी अज्ञात समय में तुमने एक पिता को पा लिया था। इसके अलावा जब तुम्हें एहसास होगा कि सर्वशक्तिमान तो हमेशा से ही तुम पर नजर रखे हुए हैं, तुम्हारी वापसी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वह हताश लालसा लिए देखते रहे हैं, जवाब के बिना एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा है, उनका नजर रखना और प्रतीक्षा करना बहुत ही अनमोल है और यह मानवीय हृदय और मानवीय आत्मा के लिए है। शायद ऐसे नजर रखना और प्रतीक्षा करना अनिश्चितकालीन है या शायद इनका अंत होने वाला है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इस वक्त कहाँ है। हमें अपनी आत्मा को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से पोषित करना चाहिए। ईश्वर हमें प्रेम, क्षमा और अपनी आत्मा की शक्ति का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यीशु में विश्वास के माध्यम से उनके महान प्रेम का अनुभव करें, जो हमें पापों से बचाते हैं और अनंत जीवन देता है, और हमें उनके प्रेम से भर जाना है। मसीह के रूप में हमें ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रभु परमेश्वर प्रसन्न हो। हे प्रभु यीशु, हम पापों और गुनाहों के बोझ से दबे हुए हैं, हम आपके पास आते हैं और हमें अपनी आत्मिक विश्राम दे। परमेश्वर, आपकी शक्ति और प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दिया है। आपका वचन शक्ति हमारे जीवन का मार्गदर्शन का स्रोत है और हम आपके विश्वास और प्रेम के लिए आभारी हैं जो आपने मुझ में बनाया है। आपकी कृपा से हमें आशीर्वाद मिलता है। प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू में पापों की क्षमा और जीवन है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ
और आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास हर बंधन को तोड़ने की दिव्य शक्ति है। इसलिए हर उस पाप और गुनाह के बंधन को तोड़ दे जिसे तोड़ने की जरूरत है। हे प्रभु, मेरे जीवन के हर गतिविधियों को आप भली भांति समझते और जानते हैं। कृपया मेरे पापी जीवन के हर बोझ को कम करने में मेरी मदद करें। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र जीवन दे और अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, ताकि पाप और गुनाह का प्रभुता मुझ पर न हो, न ही उसकी लालसा के अधीन रहे। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना जिससे मैं तुझे अनुसरण कर सकूं, साहस देना जिससे मैं तेरे मार्ग पर चल सकूं, और शांति देना जिससे मैं तेरी आशीर्वादित जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं अपनी अनगिनत गलतियों और पापों को स्वीकारता हूं और हृदय से पश्चाताप करता हूं, और आपकी कृपा और दया से मुझे माफी मिलती है। मैं आज फिर से आपके पास आता हूं। मुझे अपना बनाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। हे यीशु प्रभु, आप मेरे दिल की आवश्यकताओं को जानते हैं और आप मेरी आत्मा को शांति देते हैं और मेरे जीवन को पवित्र बनाते हैं। हे परमपिता, जब हमें लगे कि हम आपसे और अपनी खुशी से दूर जा रहे हैं, तो हमें अपनी प्यार भरी बाहों में लपेट लें। हे प्रभु, हम सदैव आपकी उपस्थिति महसूस करें। धन्यवाद महान प्रभु परमेश्वर, आमीन।